नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुलिस एक्ट के अगले चरण में हम चलेंगे, अगले अध्याय की ओर चलेंगे। पिछले चैप्टर्स में पैराज में आपने पढ़ा पुलिस रेगुलेशन के कि क्या क्या हमारे प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार से वो प्रश्न बनेंगे। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे कि क्या है, कैसे है, ताकि हमारा जल्द से जल्द मेंटेन हो सके। किन्हीं कारणवश पिछले कुछ दिनों नहीं पढ़ पाया आपका वीडियो, लेकिन अब आपका रेगुलर रहेगा, उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमें शुरू करना है, हम पैरा 124 तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद का हिस्सा चैप्टर 12 से संबंधित है। पहला हिस्सा क्या है, चैप्टर 12 चैप्टर 12 से संबंधित है। यहाँ पर मृत समीक्षा, मृत्योपरांत जो रिपोर्ट होती है, परीक्षण होती है, रिपोर्ट बनाई जाती है, घायल का इलाज। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, जिस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि चैप्टर नंबर भी प्रश्न बनेगा, मृत्यु समीक्षा, मृत्योपरांत परीक्षा, मृत्यु समीक्षा, ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट आप कहते हैं मृत्यु समीक्षा को, मृत्योपरांत परीक्षण, पंचनामा वगैरह होता है, मृत्यु उपरांत परीक्षण, यह चैप्टर 12 में किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो घायल का इलाज। प्रश्न आपसे पूछेगा कि घायल के इलाज से संबंधित कौन सा चैप्टर पुलिस रेगुलेशंस में दिया हुआ है, आप इसको बताएंगे। ठीक, मृत समीक्षा से संबंधित कौन सा अपराध है, आप चैप्टर 12 को बताएंगे। यानी कि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न पूछेंगे उन बातों को भी आपको समझना है, ताकि कोई समस्या ना होने पाए। अब इसमें पढ़ना क्या है, पैरा 129 सबसे पहले हमें पढ़ना है, पैरा 129 में क्या बात लिखी हुई है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर मृत्यु समीक्षा लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखी है, मृत्यु समीक्षा लिखी हुई है। ठीक, अब मृत्यु समीक्षा का मतलब क्या है, मृत्यु के कारणों को जानना, तमाम चीज़ों को जानना। ठीक, इंक्वेस्ट रिपोर्ट इसको कहते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है मृत्यु की समीक्षा करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात जानना है, विद सीआरपीसी संबंधित सीआरपीसी का प्रावधान कौन सा है। तो आप अगर सीआरपीसी पढ़ते हैं तो धारा 174 में यह बात मिलेगी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट से संबंधित धारा 174 में बात मिलेगी, तो उसी से संबंधित है। ठीक, संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई हो तब यह किया जाता है, यानी कि संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो तब हम मृत्यु समीक्षा करते हैं उस शव की। ठीक है, वो जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसकी मृत्यु समीक्षा हम करते हैं और उसके अनुसार अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट को बनाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कठिन करने के लिए, इसके रिपोर्ट जो बनेगी यह किस प्रारूप में होगी, तो आप 211 जानिए। ठीक है, प्रारूप संख्या 211 है, इसको भी जानिए। ठीक, कठिन बनाए तब भी आपका सही होना चाहिए, सरल बनाए तब भी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, प्रारूप संख्या 211। फिर इसके बाद सीधे हमें 134 पढ़ना है, 134 पुलिस रेगुलेशन का पैरा 134 क्या कहता है। तो हमें उत्तर मिलेगा, संज्ञेय अपराधों के दौरान मृत्यु। संज्ञेय अपराध बहुत प्रकार के हो सकते हैं, आप जानते हैं, अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है और वो संज्ञेय अपराध के दौरान अगर मृत्यु भी होती है, ठीक है, हत्या, आपराधिक मानव वध या इस टाइप से कोई संज्ञेय अपराध हो और उसमें मृत्यु भी होती है, तो उस मृत्यु से संबंधित परीक्षण
कहाँ पर किया जाएगा, एग्जामिनेशन कहाँ पर किया जाएगा, पैरा 134 में किया जाएगा, इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछेगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला 134 ए जोड़ा गया बाद में, 134 ए बाद में जोड़ा गया, 134 ए में ए जोड़ करके क्या, एक नई धारा ए, एक नया पैरा ए जोड़ करके क्या हमें बताया गया कि सौ का संस्कार, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है, सौ का संस्कार, ठीक है, यानी कि हो सकता है ऐसा, ऐसी सौ हो, ऐसा डेड बॉडी हो जिसके परिजन मौजूद हों, हो सकता है कि परिजन ना मौजूद हों, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सौ को रखे नहीं रहेंगे, मॉर्चरी से निकालना ही पड़ेगा, तो उसके बाद क्या किया जाएगा उससे संबंधित है। तो हम आते हैं जब सौ के संस्कार में, तो किसे सौंपा जाएगा, या तो पहली शर्त है निकटवर्ती रिश्तेदार, जिसे आप भी जानते हैं, ठीक, प्रश्न सिंपल बना कि किसी संज्ञेय अपराध के दौरान या किसी डेड बॉडी पर पुलिस कब्जा रखती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सौंपना किस पैरा से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे 134 ए से रिलेटेड है, ठीक, किसे सौंपेंगे, निकटवर्ती रिश्तेदार को, अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं उनको सौंप दिया जाएगा, ताकि उस सौ के यदि जाना जा सके कि किस धर्म से रिलेटेड है, तमाम बॉडी में इस तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से जैसा भी जाना गया ये इस धर्म से रिलेटेड है, तो उस धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो सौंपने वाला काम 134 ए में किया जाता है, ठीक है। 136 क्या कहता है, इसी के साथ आपको यह भी जानना है, 136 136 में क्या बात कही गई है, इस चैप्टर की महत्वपूर्ण पैरा में आता है, ठीक है, घायल का परीक्षण, घायल का परीक्षण, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, चिकित्सा अधिकारी होगा, उसी के द्वारा परीक्षण किया जाता है, ठीक, इस पे विशेष तौर पर विष वाले मामले या अदर कोई हर्ट वाला मामला हो, ठीक है, फांसी हो, डूब कर मरा हो, ठीक है, फांसी लगाई हो, डूब गया हो, ठीक, इन सब से संबंधित स्पेशली इसलिए लिखा गया है घायल का परीक्षण, या अगर मृत हो जाए उसका भी परीक्षण 136 में होता है। क्यों होता है कि स्पेशल इफेक्ट आ गया, विष, फांसी, ठीक है, डूब कर मरना, तो स्पेशली अगर उसका एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा ये डूब कर मरा है, फेफड़े में पानी भरा है या नहीं भरा है, या ऐसे मारने के बाद फेंक दिया गया है तालाब में, ठीक है, विष से मरा है तो किस टाइप का विष है, किस कैटेगरी का विष है, तो इंटरनल परीक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। फांसी लगी है तो क्या फांसी लगा कर मरा है या मारने के बाद फांसी पर टांग दिया गया, तो तमाम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग तमाम सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं मृत्यु के कारणों को, तो यदि मृत्यु के कारणों पर अस्पष्ट नहीं होगा अभियोजन पक्ष, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी करता है, तो वो अपने स्टोरी को न्यायालय के समक्ष उचित तरीके से नहीं रख सकता, इसलिए स्पेशली विष वाले मामले में, फांसी वाले मामले में, डूब कर मरने वाले मामले में परीक्षण की बात यहाँ की गई है, या इसकी वजह से वो घायल हो गया हो तो भी स्पेशल इलाज की ज़रूरत है, इसलिए उसके परीक्षण भी स्पेशल होना चाहिए, एग्जामिनेशन भी स्पेशल होना चाहिए, इस बात को यहाँ पर लिखा गया है।
इसी तरीके से अगला अध्याय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है, गिरफ्तारी जमानत आदि से संबंधित है। ठीक, अगला अध्याय जब हम आएंगे, चैप्टर 12 हमने पढ़ा, चैप्टर 13 की अगर बात करते हैं, ठीक है, गिरफ्तारी आप जानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, जमानत इसके बारे में भी आप जानते हैं, और अभिरक्षा यानी कस्टडी, ये तीनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इंडिविजुअल भी तीनों पूछ सकते हैं कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, यानी पुलिस रेगुलेशन में गिरफ्तारी से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 13, जमानत से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 13, कस्टडी से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 13। ठीक है, एक ही संव्यवहार में तीनों बातें होती हैं, गिरफ्तार करना जमानती है या अजमानती है इस बात को बताना, कस्टडी में लेना कि वो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा या पुलिस कस्टडी में जाएगा, इसलिए तीनों मिला करके अरेस्ट, बेल और कस्टडी को यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। 147 बहुत सिंपल पढ़ना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत नहीं उलझना है, बड़े बड़े पैरा लिखे हैं, आप उलझे रहेंगे तो पूरा करियर चौपट हो जाएगा। जब एपीओ साहब बन जाइएगा तब देखिएगा पुलिस आदि के मामले में क्या क्या प्रक्रियाएं, बहुत डिटेल में एक एक शब्दों को, अभी प्रश्नों को ध्यान देना है। 147 यहां पर गिरफ्तारी की बात की गई है, ठीक है, 147 में गिरफ्तारी की बात की गई है, और इसे आपको पढ़ना है विद CRPC 41, सेक्शन 41 में CRPC में विदाउट वारंट अरेस्ट की बात की गई है, उससे जोड़ करके आपको पढ़ना है। सारी वही शर्तें हैं जो CRPC में हैं, सारी वही सावधानियां हैं जो CRPC में हैं, आपको उन्हीं बातों को यहाँ पैरा नंबर के हिसाब से जानना है, यही छोटी सी बात आपको समझना है। 151 अगला है, ठीक है, 151 ये किससे संबंधित है, तो ये बहुत सिंपल सा है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, प्राइवेट व्यक्ति जब गिरफ्तार करता है तो उससे संबंधित क्या प्रक्रियाएं हैं। CRPC में लिखा हुआ है 43 में, ठीक है, CRPC 43 में उन्हीं बातों के साथ 151 को आपको जानना है, पैरा 151 में पर प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के बारे में लिखा गया है। 152 में जाएंगे तो आपको गिरफ्तार करने पर कौन सी, यानी कि आपने 147 में गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के बाद कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी है। ठीक है, अगर हम वारंट बिना गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, यानी कि CRPC 41 में आपने वारंट बिना गिरफ्तार कर लिया, पुलिस रेगुलेशन 147 में भी यही लिखा है कि वही बातें वही आधार होंगे जो CRPC 41 में हैं। अब प्रोसीजर क्या होगा गिरफ्तार करने के बाद, तो CRPC में 57, 58 और 167 में, यानी कि इसके साथ 152 पैरा के साथ CRPC का 57 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, 58 और 167 इन धाराओं के साथ पढ़ना है, इन धाराओं के साथ पढ़ना है ताकि आपको कोई समस्या ना होने पाए। तो हम अगर देखते हैं तो क्या इन सबको मिला करके तो क्या प्रमुख बातें निकल करके आती हैं। 24 घंटे का नियम, यानी कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए बिना अरेस्ट नहीं रखा जा सकता, ठीक है। आरोप पत्र CRPC के 174 में आरोप पत्र हम आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लगाते हैं। अंतिम रिपोर्ट
यानी कि सीआरपीसी 169, यानी कि इसको ले लें हम सीआरपीसी 174, सीआरपीसी 169। आप जानते हैं यदि कोई आधार न मिले गिरफ्तारी पश्चात, यदि कोई आधार न मिले कि ये गिल्टी है, तो फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, एफआईआर लगा दी जाती है, बनाई जाती है 169 में और 174 में उसे कोर्ट में शामिल किया जाता है, या कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हो, ठीक है, तो उसे भी लगा सकते हैं पृथक रिपोर्ट के रूप में। पृथक रिपोर्ट, कुछ अतिरिक्त बातें पता चलती हैं तो पृथक रिपोर्ट भी लगाई जा सकती है। तो आपको इन बातों को पढ़ना है, ठीक। गिरफ्तारी कैसे के साथ गिरफ्तारी की रिपोर्ट की जाएगी, 58 में भी पढ़ना है सीआरपीसी में, और 167 मिला करके पढ़ेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये गारंटी है। बहुत सिंपल सी बात है, पैरा नंबर 152, ठीक है, 152। इसके बाद एक पुलिस एक्ट का जो है स्पेशल क्वेश्चन है 155 में, अगली बात आपको मिलेगी 155 में। यहाँ पर क्या है, ठीक है, हथकड़ी की चाबी कुंजी की, हथकड़ी की कुंजी की, इसके लिए एक स्पेशल नियम लिखा, यानी कि अभी तो सब चीज़ सीआरपीसी में ही बेसिक रूल के फॉलो करते हुए हमने पढ़ लिया, ये एक स्पेशली पुलिस रेगुलेशन का लिखा हुआ है, जो कि पुलिस एक्ट में ही, पुलिस रेगुलेशन में ही मिलेगा, तो पुलिसिया कार्यवाही का एक हिस्सा है, ठीक, सीआरपीसी से मतलब नहीं है, ठीक। आपने देखा होगा वर्दी में वक्ष स्थल पर दो जेबें लगी हुई होती हैं, ठीक है, फैशन में नहीं लगी होती हैं, ठीक। अगर फैशन में जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज जान लीजिए कि ये फैशन नहीं है, बल्कि ये कुंजी, ये जो की होती है, इसको जो प्रभारी होगा अपने वक्ष स्थल की जेब में रखेगा, यानी कि हथकड़ी की कुंजी रखने के लिए इन जेबों को बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा ताकि कोई समस्या ना होने पाए, ठीक है, अपने वक्ष स्थल के जेब में रखेगा, यह बात, ठीक है। इसका अगला हिस्सा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। जमानत स्वीकार करना, कोई विशेष मामलों में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ठीक। आज हमने चैप्टर 12 पूरा पढ़ा 129 से, और चैप्टर 13 का आधा हिस्सा हमने पढ़ा, ठीक है। गिरफ्तार कर लिया है हमने, और हथकड़ी लगा करके कुंजी अपने वक्ष स्थल के जेब में रख ली है। अगला हिस्सा हम अगली क्लास में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा है, इस बात की हमको भी खुशी है। तो कोशिश यही रहेगी कि अब गैपिंग नहीं रहेंगी, लगातार आपके वीडियोज रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अच्छी बात, नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आ रही है तो मैटर भी बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से आपको मेंटेन रहना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने 129 से 155 तक की पैराज को पढ़ा पुलिस रेगुलेशन के। अगले वीडियो में 155 से आगे हम शुरू करेंगे कि गिरफ्तारी पश्चात या स्पेशल मामलों में क्या चीज़ें होती हैं अरेस्ट वगैरह से रिलेटेड, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।